जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों 1 अक्टूबर को भारत में 5G लॉन्च कर दिया गया है और आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको जियो के मालिक मुकेश अंबानी और एयरटेल के मालिक सुनील भारतीय मित्तल आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे होंगे और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्नवी बिश्नोई दिखाई दे रहे होंगे। देख सकते हैं कि आप कितने उत्साह से प्रधानमंत्री इतने बड़े दो भारत के बड़े प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के 5G लॉन्चिंग कर रहे हैं। कितनी उत्साह इनके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। शायद इतने ही उत्साह से अगर BSNL पे ये अपना उत्साह दिखाए रहते तो आज BSNL जो सही से 4G काम नहीं कर रहा है, 4G नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है, आज 5G वो सपोर्ट करता रहता और इन बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों टेलीकॉम कंपनियों के बराबर रहता। लेकिन ये उत्साह BSNL पे कोई भी मिनिस्टर नहीं दिखा रहा है और BSNL का जो है वो दिन प्रतिदिन बंटाधार होते चला जा रहा है। ना ही आपको BSNL का, कहीं भी आप मार्केट में चले जाइए आपको BSNL का सिम जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही BSNL का रिचार्ज किसी रिटेनर के पास आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस तरीके से BSNL का हाल हो गया है कि ये एकदम चौपट होते चला जा रहा है, इसके यूजर्स कम होते चले जा रहे हैं। वही लोग यूजर यूज़ कर रहे हैं जिनको सरकार के द्वारा इसका रिचार्ज फ्री मिल रहा है, जो इसकी सर्विसेज फ्री मिल रहे हैं। शायद ये उत्साह BSNL के साथ ये मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दो प्राइवेट कंपनियों का 5G लॉन्च करने के लिए केंद्र सरकारी मंत्री जो हैं, केंद्रीय सरकारी मंत्री और प्रधानमंत्री कितनी उत्साह से गए हुए हैं। और ये प्रगति मैदान की सीन है दिल्ली की, वहाँ से ये 1 अक्टूबर को जियो और एयरटेल के 5G लॉन्च करते हुए का ये तस्वीर है। खैर दोस्तों, और इस रेस में जिस तरह BSNL का बंटाधार होते हुए नज़र आ रहा है, उसी तरीके से कुछ VI का भी नज़र देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि VI आने वाले कुछ टाइम में इसका भी लुटिया डूब जाएगा। VI यानी वोडाफोन आइडिया नवंबर से बंद होने की चांसेज है। बताया जा रहा है कि नवंबर से वोडाफोन और आइडिया जो टेलीकॉम कंपनियां है जो दोनों में एक में मर्ज हो गई है, वो नवंबर से बंद हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नवंबर से वोडाफोन और आइडिया यानी VI बंद हो जाएगा, इसके पीछे का असली कारण क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आइडिया पहले अलग कंपनी थी, वो अपना अलग टेलीकॉम कंपनी थी, उनके अलग यूजर से वो अपने यूजरों को अच्छा सर्विस भी देती थी। वोडाफोन एक अलग कंपनी थी, लेकिन इन दोनों की हालात इतनी गड़बड़ हुई कि ये दोनों एक में मर्ज हो गए और VI नाम हो गया, यानी आइडिया जो है वोडाफोन में आ गया, फिर इन दोनों कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनी जिसका नाम VI हो गया। दोस्तों ये वोडाफोन और आइडिया जिस नेटवर्क का यूज करते हैं उस नेटवर्क के कंपनी का नाम है इंडेक्स टावर्स, और ये इंडेक्स टावर के ही कंपनी का ये नेटवर्क यूज करते हैं और अपने उपभोक्ताओं को प्रोवाइड करवाते हैं। और इस इंडेक्स टावर्स कंपनी का 7,000 करोड़ रुपया बाकी है और इंडेक्स टावर्स कंपनी VI को चेतावनी दिया है, अगर VI नवंबर तक ये 7,000 करोड़ रुपया इंडेक्स टावर्स को नहीं दे पाती है तो इंडेक्स टावर कंपनी नवंबर से नेटवर्क देना बंद कर देगी। और ऐसे में अगर इंडेक्स टावर्स कंपनियां नेटवर्क देना बंद कर देगी तो जो भी उपभोक्ता है VI के, उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा, ना नेट काम करेगा, ना कॉल लगेगी, तो फिर तो लोग वो सिम फेंक ही देंगे, ख़त्म हो ही जाएगा। दोस्तों ये एयरटेल भी इसी इंडेक्स टावर्स कंपनी का नेटवर्क यूज़ करती है, जो 47.76% यूज़ करती है। पहले वोडा जब अलग थी तो उस टाइम ये इंडेक्स टावर्स का 21.05% यूज़ करती थी। आइडिया पहले अलग थी तो 11.5% इस इंडेक्स टावर्स का नेटवर्क यूज करती थी, और इस टाइम जब दोनों ये एक में हो गए हैं वोडा और आइडिया, तो इस टाइम ये 32.5% यूज़ करते हैं।
अगर नवंबर तक ये पैसे नहीं दे पाते हैं तो इंडेक्स टावर्स के तरफ से जो भी नेटवर्क इन्हें प्रोवाइड कराया जाता है वो देना बंद हो जाएगा, फिर इनकी भी लुटिया बीएसएनएल को हो जाएगी, ये एकदम ख़त्म ही हो जाएंगे। दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जुलाई के रिपोर्ट के अनुसार 16 लाख यूज़र वोडा आइडिया से हट गए हैं, 16 लाख यूज़र्स कम हो गए हैं। फिलहाल वोडा आइडिया के जो कुल यूज़र हैं भारत में वो 25.51 करोड़ लोग हैं। वही 2019 ईस्वी में आइडिया और वोडाफोन के दोनों यूज़र्स को मिलाकर जो संख्या थी वो 47 करोड़ थी। इस तरीके से दिन प्रतिदिन वोडा और आइडिया के जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या भी कम होती चली आ रही है और इस टाइम महज 25 करोड़ यूज़र बच गए हैं। जो इनके यूज़र 47 करोड़ थे वो महज अब 25 करोड़ रह गए हैं। ये तो एक इनके साथ चुनौतियां हैं ही, और साथ में 7000 करोड़ रुपया जो इंडेक्स टावर्स कंपनी को देना है वो भी है। तो इस तरीके से अगर ये 7000 करोड़ रुपया वोडा और आइडिया इंडेक्स टावर्स कंपनी को नवंबर तक दे देती है तब तो ठीक है, ये चलती रहेगी। अगर नहीं देती है फिलहाल तब इसकी जो हाल होगी वो बहुत ही बदतर हो जाएगी। हो सकता है ये बंद हो जाए, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां जो है वो बंद नहीं होती है, किसी में मर्ज हो जाती है। आप देखे होंगे यूनिनॉर यानी टेलीनॉर थी, एयरसेल थी, टाटा डोकोमो, बहुत सारे कंपनी थी, वो सब बंद नहीं हुई, किसी में मर्ज हो गई, किसी ने उसको खरीद लिया। तो हो सकता है एयरटेल VI को खरीद ले या जियो VI को खरीद ले, या ऐसा भी हो सकता है अभी खरीदने में इंडिया में सबसे नंबर एक पर गौतम अडानी चल रहे हैं तो गौतम अडानी भी VI को खरीद सकते हैं। तो आने वाले टाइम में देखने लायक होगा कि क्या नवंबर तक वोडा आइडिया इंडेक्स टावर्स नेटवर्क जो 7000 करोड़ रुपया बाकी है वो दे पाती है कि नहीं। अगर नहीं दे पाती है फिर वोडा आइडिया का क्या होगा, क्या किसी दूसरे कंपनी में मर्ज होगी या कोई दूसरा कंपनी इसे खरीद लेगा या कोई दूसरा बिजनेसमैन खरीदेगा, कैसे क्या होगा, इन सब के बारे में भी आपको जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।